इसमें दिखा है यू नो जैसे हम लोग पहले बोल रहे थे कि ये किसी के साथ भी हो सकता है एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. मुझे तभी इस फिल्म में मुझे इतनी पसंद आई है कि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है. इट्स एक्चुअली अबाउट अ पर्सनल स्ट्रगल द वे आई लुक एट इट कि कितना आप किसी को पुश करोगे कि वो फाइनली यू नो दे डिसाइड टू स्पीक अप दे डिसाइड टू स्टैंड अप एंड दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट. ये औरतों को भी बहुत पसंद आएगी और मेरे हिसाब से आदमियों को भी बहुत पसंद आएगी बिकॉज आई थिंक इट्स सेइंग समथिंग विच इज वेरी पर्सनल सो एवरीबडी कैन रिलेट टू इट. अनुष्का रवि दिस साइड 6 मार्च को रिलीज हो रही है. जैसे कि आपने कहा कि वुमेंस डे भी है तो आप देश की बहुत ही बड़ी एक स्टाइल आइकॉन है, नारी शक्ति की एक आइकॉन है आप. मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहूँगा और उम्मीद भी करता हूँ कि आप उसका आंसर भी करेंगी. आप मैं पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में एक विवादित शो आयोजित किया गया था जिस पर महिलाओं के प्रतिरूप को तार तार कर देने वाले जो जोक्स कमेंट्स इशारे किए गए थे उन पर बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं हंसती हुई नजर आई थी. तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे. आप देखिए जिस तरह से मैंने उसको देखा था और हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है, आपका एक है मेरा है किसी और का कुछ और होगा. मुझे ये एक ऐसा इट वॉज इन गुड ह्यूमर अकॉर्डिंग टू मी. इट वॉज जस्ट नॉट सपोज टू बी एंड मेंट टू बी टेकन वेरी सीरियसली. दैट्स द वे आई लुक एट इट. Just like how this is my opinion, someone else is free to have their own opinion, and that's the beauty of living in a democratic setup. Well, is this? Are you guys talking about the?